अबू धाबी में आप लोगों ने नया इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर आवाज कह रही है भारत यूएई। बस इस पल को जी लेना है, जी भर करके जी लेना है। आज वो यादें बटोर लेनी है जो जीवन भर आपके साथ रहने वाली। जो यादें जीवन भर मेरे साथ भी रहने वाली। भारत इज प्राउड ऑफ यू। भारतम निगंडय ऑर्तो अभिमानिकुन्नो उंगलई पार्तो भारतम पेरू मई पड़गिर दो। भारता निम्मा बग्गे हेम्मे पड़ुत्तदे। मी पै भारत देशम गर्विस्तोंदी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की सुंदर तस्वीर। आपका ये उत्साह, आपकी आवाज आज अबू धाबी के आसमान के पार जा रही है। मेरे लिए इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, ये अभिभूत। साथियों, आज हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस हिज एक्सलेंसी शेख नाहियान भी मौजूद है। वो भारतीय समुदाय के अच्छे मित्र और शुभचिंतक है। भारतीय समुदाय के प्रति उनका स्नेह सराहनीय है। आज इस शानदार आयोजन के लिए मैं अपने ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। गर्मजोशी भरा ये समारोह उनके सहयोग के बिना संभव नहीं था। उनकी आत्मीयता, मेरे प्रति उनका अपनत्व मेरी बहुत बड़ी पूंजी है। तब एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत करने के लिए तब के क्राउन प्रिंस और आज के प्रेसिडेंट अपने पांच भाइयों के साथ एयरपोर्ट आए। 10 वर्षों में ये यूएई की मेरी 7वीं यात्रा है।
ब्रदर शेख मोहम्मद बिन जायद आज भी मुझे एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उनकी गर्मजोशी वही थी, उनका अपनापन वही था और यही बात उन्हें खास बना देती है कि हमें भी चार बार भारत में उनका स्वागत करने का अवसर मिला। कुछ दिन पहले ही वो गुजरात आए थे, तब वहां लाखों लोग उनका आभार व्यक्त करने के लिए सड़क के दोनों तरफ जमा हो गए। ये भी मेरा सौभाग्य है कि यूएई ने मुझे अपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ जायद इसे सम्मानित किया है। 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हां कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। भारत और यूएई का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। हम एक दूसरे की प्रोग्रेस में पार्टनर है। हमारा रिश्ता टैलेंट का है, इनोवेशन का है, कल्चर का है। बीते समय में हमने हर दिशा में अपने संबंधों को नई ऊर्जा दी। हम दोनों देश साथ मिलकर चले हैं, साथ मिलकर आगे बढ़े। आज यूएई भारत का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आज यूएई सातवां बड़ा इन्वेस्टर है। हम दोनों देश ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों में बहुत अधिक सहयोग कर रहे हैं। हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में भी भारत और यूएई की पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है। भाषाओं के स्तर पर दोनों देशों में कितनी नजदीकी है ये भी मैं अपने अमीरात के साथियों को जरूर बताना चाहता। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान बल किताब अदुनिया नकुत्वो हिसाब ली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बीना। अल हिंद बल इमारत हिया सर्वतना अल मुस्तरा का फिल हकीका नहनु फी बदैया साईद अली मुस्त कबल जईदा। मैंने अरबी में बोलने की कोशिश की है, अगर उच्चारण में कुछ गलती हो तो मैं अपने यूएई के साथियों से माफी जरूर मांगूंगा।
जो मैंने अरबी में कहा उसका अर्थ है भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कलम, किताब, दुनिया, हिसाब, जमीन, ये हिंदुस्तान में कितनी सहजता से बोले जाने वाले शब्द है और ये शब्द वहां कैसे पहुंचे हैं, यहां गल्फ के इस क्षेत्र से। हम दोनों देशों का नाता सैकड़ों हजारों वर्ष का, और भारत की कामना है ये ऐसे ही दिनों दिन और मजबूत होता रहे। यहां स्टेडियम में इस वक्त सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स भी आए हैं। ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद के सपोर्ट से पिछले महीने ही आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में मास्टर्स को शुरू हुआ है। दुबई में नया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का ऑफिस भी जल्द ही खुलने वाला है। साथियों, आज एक एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। फिर 10 साल में भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी की गारंटी आप जानते हैं, मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमने यूएई के साथ अपने रुपे कार्ड स्टैक को शेयर किया है। इससे यूएई को अपना डोमेस्टिक कार्ड सिस्टम डेवलप करने में मदद मिली है। और जानते हैं, भारत के सहयोग से बने कार्ड सिस्टम का यूएई ने क्या नाम रखा है? यूएई ने नाम रखा है जीवन। यूएई में भी यूपीआई शुरू होने वाला है। आज भारत को दुनिया एक विश्व बंधु के रूप में देख रही है। आज साथियों, भारत और यूएई मिलकर
21वीं सदी का नया इतिहास लिख रहे हैं और इस इतिहास का बहुत बड़ा आधार आप सभी मेरे साथी हैं। आप भारत और यूएई के विकास और दोस्ती को यूं ही मजबूत करते रहे, इसी कामना के साथ इस भव्य स्वागत के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपके बीच में आपके दर्शन करने के लिए आने वाला हूं, तो मेरी मदद करेंगे आप? पक्का करेंगे? भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व प्रेम की।